गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न चैप्टर 2 हेल्थ एंड हाइजीन। आप लोगों का चैप्टर 2 हेल्थ एंड हाइजीन है। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। फर्स्ट तो आप लोग ये जान लीजिए कि फूड हम लोगों को क्यों जरूरी है। तो फूड जो होता है हमें हेल्दी रखता है और सर्वाइव के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वी मस्ट ईट होल सम फूड टू कीप हेल्दी। फूड जो होता है वह सारे फूड में जो होता है वे हमें हेल्दी बनाते हैं। फूड कंसिस्ट ऑल न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। फूड में क्या क्या होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमें क्या करते हैं टू स्टे हेल्दी, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी हमें वाटर और रफेज जो हमें डाइट में चाहिए ताकि हम लोग क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें। तो न्यूट्रिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने चार्ट बनाया है, इसमें न्यूट्रिएंट जो है वह टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट दिया हुआ है। तीन तरह के भोजन चाहिए हमें, एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, और सेकंड है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, थर्ड है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, इसमें दो आते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट हुआ, एक फैट होता है। ये दोनों न्यूट्रिएंट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, जो हमें काम करने में और वर्क करने में मदद करता है। सेकंड जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड न्यूट्रिएंट या फूड, जो प्रोटीन से हमें मिलता है। प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है। थर्ड है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट में विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों जो न्यूट्रिएंट है ये हमें हमारे न्यूट्रिएंट में मिलता है, जो हमें प्रोटेक्ट कर डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये तो हो गया आपका एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ये तो हुआ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। अब मैं डिटेल से इनके बारे में बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह एनर्जी का इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, जो हमें बॉडी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। इसमें पोटैटो हुआ, ब्रेड हुआ, राइस हुआ, शुगर हुआ, हनी हुआ, ये सभी फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो हमें एनर्जी देता है। सेकंड हुआ फैट, फैट यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट वसा यह जो होता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, हायर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी होता है, और यह एनर्जी जो होता है यह हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। और फैट जो होता है वह हमारे बॉडी को गर्म करता है, जैसे कि ऑयल, घी, नट्स, ये सभी जो होता है उसमें फैट होता है, और यह कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा क्या होता है, इसमें एनर्जी होता है। समझ में आया, एनर्जी गिविंग फूड न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये दोनों जिस भोजन में मिलते हैं उसी में क्या होते हैं, एनर्जी होता है, और एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए काम करने के लिए। सेकंड हुआ बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट में प्रोटीन जो होता है वह हमारे मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है, हेल्प बिल्ड आवर मसल्स। तो ये जो होता है हमारे स्किन को भी हेल्दी रखता है, और ये फिश हुआ, एग हुआ, चिकन हुआ, मीट हुआ, इन सब से प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन हुआ, इससे प्रोटीन मिलता है, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये सारी चीज़ें, और इससे हमारा बॉडी बिल्ड होता है। थर्ड हुआ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, प्रोटेक्ट न्यूट्रिएंट में विटामिन्स और मिनरल्स हुआ, विटामिन और मिनरल्स जो होता है वह हमें क्या करता है, डिजीज से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, और ये विटामिन जो होते हैं ए से लेकर के, ए बी सी डी ई और के, ये विटामिन के नेम हैं, और मिनरल्स में कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स हुए।
आया समझ में, विटामिन और मिनरल्स। और ये विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वे हमें डिजीज से बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं। नेक्स्ट हुआ, वी ऑल्सो नीड, हमें और कुछ भी चाहिए जैसे कि वाटर। हमारे डाइट में क्या चाहिए, भोजन में वाटर भी चाहिए और रफेज चाहिए। वाटर जो होता है वह हमें क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है, मतलब पचाने में मदद करता है। और वाटर जो होता है बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और जो हमारे बॉडी में ख़राब चीज़ वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं उसको निकालने में मदद करता है पानी, जैसे यूरिन हुआ। और बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस में रखता है। और एक दो, हमारे बॉडी को रफेज चाहिए। रफेज जो होता है वह हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है। और इसी तरह रिमूवल अनडाइजेस्टेड, और जो जो पचता नहीं है उसको निकालने में मदद करता है। तो ये तो हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए, साथ में वाटर और रफेज भी हमारे बॉडी को चाहिए। आगे आप लोगों का है टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट होता क्या है, तो हम लोगों को, आप लोगों को तो पता ही है कि भोजन जो है हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। तो भोजन में हमें हर चीज़ को लेना चाहिए, केवल एक ही तरह का, केवल कार्बोहाइड्रेट खाते रहें या फैट खाते रहें, तो इससे हमारा बॉडी क्या नहीं हो सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है और हेल्दी नहीं रह सकता है। इसीलिए हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए। और बैलेंस डाइट होता क्या है, तो अ डाइट दैट इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट्स अ बॉडी नीड इन राइट अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपरली इज कॉल्ड डाइट। ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, रफेज हो। और ये बैलेंस डाइट, बैलेंस में हम लोगों को राइट अमाउंट में चाहिए, एक निश्चित मात्रा में चाहिए, ताकि हम लोग क्या, हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। और इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। आए समझ में। अब बैलेंस डाइट में तो अमाउंट ऑफ, इसमें बुक में आप लोगों को अमाउंट्स भी दिया हुआ है कि कितना अमाउंट्स कब लेना है। हाउ मच डू वी नीड टू ईट, तो हमें कितना भोजन करना चाहिए। तो हर एक आदमी का अलग अलग मात्रा में डाइट चाहिए। और ये डाइट किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एज पर, हाइट पर, वेट पर और ऑक्यूपेशन पर। किसका, जैसे कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा डाइट चाहिए, क्योंकि उन खाना जल्दी जल्दी पचता है, वो ग्रो कर, बढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा डाइट चाहिए। हाइट जिस, जो लंबे हैं, यहाँ एक एक करके इसके बारे में बताया हुआ है, मैं बताती हूँ। चिल्ड्रेन हु आर मोर एक्टिव एंड मोर फूड, बच्चे जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा खाना चाहिए। उसी तरह है पीपल हु टू हैवी फिजिकल वर्क, जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं तो उनको भी ज़्यादा भोजन चाहिए। उसी तरह टॉल एंड हैवी पीपल मोर नीड मोर फूड, और जो लोग लंबे और भारी ज़्यादा वजन वाले होते हैं उनको भी जो पतले दुबले होते हैं और छोटे कद वाले होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा भोजन चाहिए। नेक्स्ट है जो लोग एज जिनका ज़्यादा हो गया, वे कम एक्टिव होते हैं, इसलिए उनको कम भोजन चाहिए। देयर फूड रिक्वायर्स ऑल्सो गोज डाउन, तो इसलिए उनका डाइट जो होता है वह कम हो जाता है। तो ये तो हो गया बैलेंस डाइट। ऑल टाइप्स ऑफ फूड डू नॉट कंटेंट ऑल द न्यूट्रिएंट इन सेम प्रोटीन, ये तो हुआ बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट मैंने आपको, आप लोगों को बताया। यहाँ पे बैलेंस डाइट का पिरामिड बनाया हुआ है, यहाँ पिरामिड बनाया हुआ है, इसी को आप लोग घर में ड्रॉ करोगे, बैलेंस डाइट पिरामिड, और इसके बारे में लिखोगे। थैंक यू।